किसी गांव में भोला नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही सुंदर मटके बनाता और उसकी पत्नी मटके बनाने के लिए मिट्टी लेकर आती। लोग उनके मटकों की बड़ी तारीफ करते। यह बात भोला भी जानता था कि वो अच्छे मटके बनाता है, और भोला ये भी जानता था कि अगर इन्हें पास के शहर में हर पूर्णिमा को लगने वाले हाट में बेचा जाए तो मुझे इतनी अच्छी कीमत मिल सकती है जिससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन भोला के पास मटकों को बाजार तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। भोला ने आज अपनी पत्नी से कहा, हम कितनी मेहनत करके इतने अच्छे मटके बनाते हैं, लेकिन यहाँ गांव में इनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। अगर हमारे पास एक बैलगाड़ी होती तो मैं अपने मटकों को पास के बाजार में बेचने के लिए जाता। आप चिंता ना करो, मैं कल से मिट्टी लाने के लिए 2-3 चक्कर ज्यादा लगा कर ज्यादा मिट्टी इकट्ठी करती हूँ। और आप भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करके कुछ ज्यादा मटके बनाना। हम मटकों को शहर नहीं ले जा सकते तो क्या हुआ, आसपास के गांव तो बेचने जा ही सकते हैं। हाँ, लेकिन मटके किस में लेकर जाएंगे? 2 मटके मैं ले लूंगी और 2 मटके आप ले लेना। ऐसा करके यदि हम थोड़े थोड़े पैसे भी बचा लेते हैं तो साल भर में इतना धन तो इकट्ठा कर ही लेंगे जिससे हम एक पुरानी बैलगाड़ी ले सकें। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन इसमें तुम थक भी तो जाया करोगी। यदि हमें अपनी गरीबी दूर करनी है तो मेहनत तो ज्यादा करनी ही पड़ेगी, और फिर साल भर की ही तो बात है। यूँ जिंदगी भर गरीबी में रहने से तो अच्छा है कि हम साल भर कड़ी मेहनत करके इस गरीबी से पार पालें। तो ठीक है, कल से ही हम बैलगाड़ी लेने के लिए लग जाते हैं। अगले ही दिन से भोला व उसकी पत्नी कड़ी मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद भोला ने काफी सारे मटके बना लिए थे। अब भोला ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, अब हमारे पास काफी मटके तैयार हो चुके हैं, अब हमें इन्हें बेचने चलना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हम कल ही मटके बेचने चलेंगे। लाओ मुझे 4 मटके निकाल कर दो ताकि मैं इन्हें साफ करके अलग रख दूं। भोला व उसकी पत्नी मटकों को साफ करके सो जाते हैं। जब सुबह भोला ने देखा कि 4 मटकों की जगह 3 मटके ही रखे हैं, तो भोला ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, तुमने चौथा मटका कहाँ रख दिया? यहाँ तो 3 ही मटके रखे हैं। पर मैंने तो यहाँ 4 मटके ही रखे थे, मैंने इधर उधर भी देख लिया, मुझे चौथा मटका नहीं दिखा, लगता है कोई उसे चुरा ले गया। कोई बात नहीं, अगर एक ही मटका लेके गया है तो कोई जरूरतमंद ही लेके गया होगा। ठीक है, तुम दूसरा मटका साफ करो, फिर लेकर चलते हैं। फिर दोनों मटके लेकर बेचने चले जाते हैं, और कई दिनों तक वो हर रोज ऐसे ही मटके बेचने जाते हैं। एक दिन भोला अपनी पत्नी के साथ शाम को जब मटके बेचकर जंगल के रास्ते वापस आ रहा था तो भोला की नजर एक मटके पर गई जो झाड़ियों के पीछे रखा था। भोला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो वहाँ झाड़ियों के पीछे एक मटका रखा है। अरे, ये तो वही मटका है जो उस दिन चोरी हो गया था। पास जाकर देखो तो उसे। भोला मटके के पास जाकर उसे उठा कर देखता है तो चौंक जाता है, मटके में बहुत सारे पैसे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो तो इस मटके में तो कुछ पैसे हैं, लगता है किसी ने यह मटका घास के नीचे छुपा रखा था, घास को जानवर खा गए होंगे और ये हमें दिख गया। अब इसका क्या करें? करना क्या है, इसको हम अपने साथ ले चलते हैं और इन पैसों से हम एक बैलगाड़ी खरीदेंगे जिससे हम अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। भगवान की शायद यही मर्जी है। फिर भोला ऐसा ही करता है। भोला ने उन पैसों से एक पुरानी बैलगाड़ी खरीदी। अब वह अपने मटके बेचने के लिए शहर जाता है और अपने मटकों के अच्छे दाम पाता है। शिक्षा, भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं।